नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो आरएनए के फंक्शन के बारे में, कैसे उसका सिंथेसिस होता है और उसको कंपेयर करेंगे siRNA, shRNA और RNAi से। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है और डिफरेंट तरह के बुक में डिफरेंट तरह से बातों को लिखी गई है जो काफी कंफ्यूजन करता है। काफी स्टूडेंट ने हमें बोला, सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, और मैं आपको श्योर करता हूं आप पूरा वीडियो देखिए, आपको काफी फायदा होगा। इस टॉपिक से किसी भी तरीके के कंपटीशन में काफी सवाल पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप अपने कॉपी में लिखें। अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो आरएनए के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइक्रो आरएनए के बारे में। तो माइक्रो आरएनए नेचुरली पाया जाता है सेल के अंदर, नेचुरली इंडोजीनियस, उसी के लिए कभी कभी एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इंडोजीनियस। इंडोजीनियस मतलब नेचुरली अपने आप पाया जाता है, और इसकी साइज जो होती है स्मॉल होती है, 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड का होता है। ये नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल है और नॉन कोडिंग सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि नॉन कोडिंग मतलब इस आरएनए का कोई प्रोटीन नहीं बनता है, इसलिए इसको नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये माइक्रो आरएनए प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं और कुछ वायरस में भी पाए जाते हैं नेचुरली। तो हमने यहां देखा सबसे पहला कि माइक्रो आरएनए पाया कहां जाता है, तो नेचुरली इंडोजीनियस तरीके से पाया जाता है। ध्यान रखना इस बात को, इंडोजीनियस तरीके से पाया जाता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, इसको भी ध्यान रखना है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखते हैं इनका फंक्शन क्या है, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप पर। क्या मतलब है, ये जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा तो जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना जिसको ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए से बनना प्रोटीन ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये जीन का जो एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कंट्रोल करता है, मतलब मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद वो कंट्रोल करता है। तो इसका कंट्रोल करने का क्या मतलब, क्या कि उसके एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा या घटाएगा, प्रोटीन कम बनेगा या ज्यादा बनेगा, ये एक्सप्रेशन है। जनरली क्या करता है, ये घटाता ही बढ़ाता नहीं। अब इसको देखते हैं कि माइक्रो आरएनए कैसे जो है कि रेगुलेट करता है। तो माइक्रो आरएनए बाइंड कहाँ करता है, 3' UTR अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ mRNA। ये काफी फ्रिक्वेंटली ये सवाल पूछा जाता है कि माइक्रो आरएनए कहाँ बाइंड करता है, 3' UTR पर अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ mRNA। हम लोग इसको आगे पिक्चर में देखेंगे। आगे जो दो बात समझना है कि बाइंडिंग होने के बाद दो बातें हो सकती है। पहला बात कि अगर इम्परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो, अगर पूरी तरीके से बाइंडिंग नहीं हो, तो क्या करेगा, रिप्रेस करेगा ट्रांसलेशन को और नो प्रोटीन बनेगा। दूसरी बात है अगर परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो तो प्रोटीन को क्या कर देगा, मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देगा और नो प्रोटीन फॉर्म होगा। यहां ध्यान रखना, बहुत सारे बुक में हमने देखा इस तरीके का कि वो लिखते हैं कि माइक्रो आरएनए जो है रिप्रेशन करने का काम ही करता है, जो कि गलत है। यह दोनों काम कर सकता है, रिप्रेस भी कर सकता है एमआरएनए को और एमआरएनए को डिग्रेड भी कर सकता है, बेस्ड अपॉन अगर परफेक्ट बाइंडिंग है कम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग तो डिग्रेड कर देगा, और इम्परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग है तो क्या करेगा, मतलब ट्रांसलेशनल को, ट्रांसलेशन को रिप्रेस करेगा, रोकेगा, और दोनों का आउटकम एक ही होगा कि प्रोटीन नहीं बनेगा। इन जनरल जो कि देखते हैं कि माइक्रो आरएनए जो है पार्सली कम्प्लीमेंट्री होता है एक या मोर एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को
तो इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन नॉन स्पेसिफिक मैनर। क्यों? क्योंकि ये जो इन कंप्लीमेंट्री बाइंडिंग अगर नॉन स्पेसिफिक होगा तो बहुत mRNA को बाइंड कर सकता है, तो ये ट्रांसलेशन जो रिप्रेशन करेगा ये नॉन स्पेसिफिक मैनर, मतलब बहुत mRNA को कर सकता है। तो यहाँ क्या बात ध्यान रखने वाली है, पहला इंडोजीनियस, दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप पर रेगुलेशन करता है, क्या करेगा रिप्रेस करेगा और डिग्रीगेट भी कर सकता है अगर कंप्लीमेंट्री बाइंडिंग परफेक्ट हो तो। और अगला जो कहानी है कि माइक्रो आरएनए जो है जनरली नॉन स्पेसिफिक मैनर से बाइंड करता है, और आजकल हम लोग इसका हम लोग यूज करने के लिए है ना रिसर्च चल रहा है कि mRNA बेस्ड रेगुलेशन को इम्प्लीकेट किया जाए डिजीज के ट्रीटमेंट में। डिजीज मतलब कोई प्रोटीन बन रहा है तो कैसे हम लोग उसको उस प्रोटीन को बनने का हम लोग रोक दें यूजिंग mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी से। आगे देखते हैं माइक्रो आरएनए कैसे बनता है और इसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि माइक्रो आरएनए जो पाया जाता है इंट्रॉन के बीच पाया जा सकता है मैसेंजर आरएनए के बीच, या कभी कभी जो मैसेंजर आरएनए का अपना प्रमोटर होता है, अपना प्रमोटर मतलब उस पर अपना आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके है ना सिंथेसिस कर सकते हैं। क्या सिंथेसिस कर सकते हैं? माइक्रो आरएनए के मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि कौन से आरएनए पॉलीमरेज माइक्रो आरएनए के है ना ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और करने के बाद वो क्या बनाते हैं? हेयर लूप लाइक स्ट्रक्चर। जो भी माइक्रो आरएनए बनता है जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, क्योंकि थोड़ा पार्सली कंप्लीमेंट्री होता है, इस वजह से हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ध्यान रखना इस बात को भी। जैसे ये न्यूक्लियस में एक और एंजाइम है जिसको आरएनए सेकेंड एंजाइम बोलते हैं डोर्शा, जो क्या करता है इस माइक्रो आरएनए को प्री माइक्रो आरएनए को प्रोसेस करता है। ध्यान रखना है डोर्सा एंजाइम आरएनए इज थर्ड एंजाइम। और साइटोप्लाज्म में एक दूसरा डाइसर एंजाइम है जो क्या करता है एडिशनल प्रोसेसिंग करता है और माइक्रो आरएनए जनरेट करता है जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? आरएनए होता है। अब देखिए आगे की कहानी। एडाइसर दो काम करता है। पहला काम करता है, कहने का क्या मतलब क्या कि शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड में जनरेट कर देना, साथ ही साथ ये आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। और ओनली वन स्ट्रैंड जो माइक्रो आरएनए के सिर्फ क्या एक स्ट्रैंड जो कि इंटीग्रेट होते हैं आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स में, देख सकते हैं दोनों में से एक mRNA होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जीन साइलेंसिंग के लिए। अगर पार्सली कंप्लीमेंट्री है तो ट्रांसलेशनल रिप्रेसर, और अगर कंप्लीमेंट्री बाइंड कर गया फुल्ली तो क्या करेगा mRNA को डिग्रीगेट कर देगा। आगे देखते हैं और आगे की कहानी को हम लोग अब समझते हैं कि siRNA माइक्रो आरएनए से कैसे डिफरेंट है। siRNA क्या है? एक्सोजीनियस डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एक ऐसा है बाहर से डालने, सेल के बाहर से हम इसको डाल रहे हैं, नेचुरली नहीं पाया जाता है। नेचुरली क्या पाया जाता है? माइक्रो आरएनए पाया जाता है मॉलिक्यूल। और इसमें आप कैसे डाल सकते हैं? या तो सेल में आप डाल सकते हैं थ्रू द वेक्टर सच एज वायरस के थ्रू भी आप डाल सकते हैं। ये तरीका है कि बाहर से siRNA सेल में जाता है। और siRNA करता क्या है? ये साइलेंस करता है जीन को बाय क्लीविंग द mRNA विथ एग्जैक्ट कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो यहां हम देख सकते हैं कि दो हमने आपको डायग्राम दिखाया है और यहां मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे siRNA और माइक्रो आरएनए का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो siRNA क्या करता है? कंप्लीमेंट्री नॉन स्पेसिफिक तरीके से बाइंड करता है पार्सली। और कहां बाइंड करता है? देखिए थ्री प्राइम यूटीआर, थ्री प्राइम यूटीआर कौन? माइक्रो आरएनए। जबकि siRNA फुल्ली कंप्लीमेंट्री कहीं भी बाइंड कर सकता है और इसके बाइंडिंग के बाद mRNA क्या हो जाएगा? डिग्रीगेट हो जाएगा। जबकि इस परिस्थिति में पार्सली कंप्लीमेंट्री में ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन होगा, मतलब इस पर प्रोटीन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, राइबोसोम्स बाइंड करके प्रोटीन नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना थ्री प्राइम यूटीआर। एक बात और ध्यान रखना, अगर ये फुल्ली कंप्लीमेंट्री हो जाए तो दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन हो जाएगा दोनों में mRNA क्लीवेज ही होगा। अब एक और बात को समझना जरूरी है कि शॉर्ट हेयर पिन आरएनए क्या होते हैं।
इसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं, ये वर्म्स और प्लांट में पाए जाते हैं। एसआई आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? वर्म्स और प्लांट में, नॉट इन एनिमल्स, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। अब अगली कहानी शुरू होती है एसएच आरएनए, काफी कंफ्यूजन होता है। तो हमने अभी तक देख लिया माइक्रो आरएनए और एसआई आरएनए। एसआई आरएनए एक्सोजीनियस पाया जाता है, माइक्रो आरएनए इंडिजीनियस पाया जाता है। दोनों का कंप्लीमेंट्री का भी स्थिति हमने देख लिया कि फुल्ली कंप्लीमेंट्री होता है और काफी स्पेसिफिक होते हैं, जबकि ये स्पेसिफिक माइक्रो आरएनए नहीं होते। अब देखते हैं हेयर पिन आरएनए को समझने के लिए एक बात को समझना काफी जरूरी है कि दो टाइप्स के आरएनए होते हैं, एसआई आरएनए और एसएच आरएनए। तो हिस्टोरिकली मतलब पास्ट में हम लोग दो तरीके से है ना आरएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हम लोग करते थे। आरएनए आई करने का मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन का नहीं बनने देना है, साइलेंसिंग का तरीका था। तो साइलेंसिंग क्या करते थे, या तो एसआई आरएनए से करते थे या एसएच आरएनए से करते थे। तो दोनों में अंतर क्या था कि एसआई आरएनए में हम लोग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को डालते थे, जबकि एसएच आरएनए में क्या है कि सेल खुद वेक्टर के टर्म में डालते थे और वो सेल खुद बना लेता था एसआई आरएनए टू स्टॉप द जीन एक्सप्रेशन। हम देखते हैं इसको, यहां देखते हैं इस बात को कि कैसे शॉर्ट हेयर पिन आरएनए मॉलिक्यूल जीन साइलेंसिंग को कर रहा है। देखिए यहां समझते हैं, एसएच आरएनए प्रोसेस्ड इनटू एसआरएनए बाय इंडोजीनियस आरएनए आई मैसेंजर। तो एसआई आरएनए अगर हमको डालना है तो, और एसएच आरएनए को डालना है तो क्या है कि एसआई आरएनए डालना है तो आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए ओलिगो डालते थे जो कि एसआई आरएनए बन जाता था और कंप्लीमेंट्री बेस के अनुसार बाइंड करने के बाद एमआरएनए को चॉप कर देते तो प्रोटीन नहीं बनता था। जबकि एसएच आरएनए आप क्या कर रहे हैं, किसी भी वेक्टर के थ्रू आप डाल दे रहे हैं, पूरे कंस्ट्रक्ट को डाल दे रहे हैं। देखिए हमने किसी वेक्टर के कंस्ट्रक्ट को डाला, वेक्टर के कंस्ट्रक्ट को डाला है, डालने के बाद ये सेल के न्यूक्लियस में आ गया और न्यूक्लियस में आने के बाद क्या किया, प्री आरएनए बनाया और आरएनए के बाद फर्दर प्रोसेसिंग क्या बना, एसएच आरएनए बन गया जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट हेयर पिन, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और एक्सपोर्ट हो जा रहा है बाहर और डाइसर से क्या बन गया, सिमिलर एसएच आई आरएनए बन गया। और आप पा सकते हैं कि एसआई आरएनए से कैसे एसआई आरएनए सिंगल स्टैंड बना और फिर कंप्लीमेंट्री बाइंडिंग करके जो प्रोसेस है स्टेप वो कंप्लीट किया। आप हमने यहां पर देखा क्या कि बोथ एसआई आरएनए और एसएच आरएनए बोथ हैव सिमिलर फंक्शनल आउटकम, मतलब दोनों ही जीन साइलेंसिंग कर रहे हैं। तो और अगर हम सरल भाषा में बोले तो आरएनए आई मतलब जीन को इनहिबिट करने के लिए, आरएनए को इनहिबिट करने के लिए सिंपल भाषा में दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो एसआई आरएनए कर सकते हैं या एसएच आरएनए कर सकते हैं, और दोनों का क्या फंक्शनल आउटपुट एक ही निकलेगा, क्या निकलेगा जीन का साइलेंसिंग, और वो भी क्या होगा काफी स्पेसिफिक होगा है ना। जबकि माइक्रो आरएनए में ऐसा बात नहीं है, वो क्या होता है इंडोजीनियस होता है। माइक्रो आरएनए में क्या होता है वो बिल्कुल इंडोजीनियस होता है, आप देख सकते हैं इंडोजीनियस हो सकता है। दूसरा जो 3' UTR को ध्यान रखना है, नॉन स्पेसिफिक तरीके से बाइंड करते हैं। और यहां पर ये भी ध्यान रखना है कैसे ये प्रोसेसिंग काम होता है, तो माइक्रो आरएनए का सिंथेसिस कौन होता है, इंडोजीनियस तरीके से होता है। कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड करता है, जबकि इसमें हम लोग एसआई आरएनए में ऐसा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं एसआई आरएनए में, हम लोग डालते हैं बाहर से डाल। तो हमने यहां पर देखा क्या कि माइक्रो आरएनए, आरएनए के दो तरीका, एसआई आरएनए एसएच आरएनए तरीका कैसे बनता है और दोनों में क्या अंतर है, हमने बेसिक बातों को सीखा और समझा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को, वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो, और अपना कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर ना भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका कोई भी कंफ्यूजन हो हम उसको दूर करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।